क्यों नहीं करोगी तुम? देखो ये बच्ची है, माँ के देखो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? ये देखो माँ को धक्के मार रही है, देखो माँ को गिरा रही है, ये साइन करवा रहे फिर से, देखो देखो जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं बेटा, मेरे से प्रॉपर्टी में आपको दे दो। ये मेरी हेल्प के लिए आया, मैंने बुलाया है इसको अपनी हेल्प के लिए, देखो भाई माँ के साथ देखो, तुम्हारे लिए आश्रम में बात करके आए हम, दो दो जवान बच्चों के होते हुए देखो चली जा मेरे आश्रम में, देखो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज मेरे साथ देख रहा हूँ आंटी जी, आंटी के साथ जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया के अंदर, मतलब जो माँ जन्म देती है उसी के ऊपर ही मतलब उनके औलाद हावी हो जाती है, वो भी सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के लिए। तो यार इनके मुँह से सुनिए क्या हुआ इनके साथ, आंटी बताइए एक बार प्लीज़। मेरे दो बेटे जब तक उनके पापा जिंदा थे ना तो दोनों बहुत अच्छी तरह रहते थे। अच्छा। कभी उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। अच्छा। लेकिन थोड़ा टाइम पहले ना उनके पापा की डेथ हो गई है, तो दोनों बेटे ना अब मतलब मेरे ऊपर ऐसे हावी रहते हैं, मेरे को कहते हैं जो कुछ भी तेरे पास है ना सोना पैसा प्रॉपर्टी सब हमें दे दे दोनों को। और मैं उनसे पूछती हूँ अगर कि मैं कहाँ पर जाऊँ, तो कहते हैं तुम वृद्धाश्रम में चली जाओ, वहाँ पर जाके रहो तुम। ये तो गलत बात है, मतलब वृद्धाश्रम में तो मतलब क्या आपकी बहू वगैरह भड़काती है क्या? नहीं अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं, मतलब शादी से पहले इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा या तो गलत संगति में या फिर क्या नशा वगैरह करते हैं क्या? हाँ मुझे लगता है कि नशा करके आते हैं, रात को आते हैं ना जब दोनों। कितने बजे आते हैं? रात को 12 बजे के करीब आते हैं, 12:30। अच्छा। तो मैं उनसे कोई भी बात करती हूँ ना तो मुझे बात का जवाब नहीं देते। अच्छा। दोनों ऐसे नशे में ही होते हैं। मारते भी हैं? नहीं मारते तो नहीं, लेकिन मतलब ऐसे हाथ तो उठा ही लेते हैं। अच्छा। आज मारा तो नहीं है लेकिन मारने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ तो आंटी मैंने बोला था कि देखो आपको जो है ना, अब वो चाह क्या रहे हैं ये बताइए पहले। वो यही चाह रहे हैं कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, वृद्धाश्रम में चली जाऊँ, और जो कुछ भी है मकान है जो कुछ मेरे पास है सब कुछ मैं उनको दे जाऊँ। अच्छा। उनको मेरी परवाह नहीं है कि जहाँ मर्जी जा यहाँ से निकल जा तुम, बस। खाने पीने के लिए देते हैं कुछ? नहीं खाना पीना तो मैं बना रही हूँ अभी तक, तो उनको मैं ही देती हूँ बल्कि। तो मैंने कहा था आपको जो है उन्हें यहाँ पर बुलाना है, आपने बुलाया? हाँ मैंने बोला था कि मैं पार्क में बैठी हूँ 10 मिनट के लिए, अगर आ सकती हो तो आ जाओ। अच्छा आपने ये चीज़ नहीं बोली कि मैं प्रॉपर्टी आपके नाम? हाँ मैंने कहा इसी। अच्छा, यही लालच दिया मैंने। हाँ मैंने उनको यही लालच दी। एक बार फ़ोन करके पूछिए कितना टाइम लगे उन्हें आने में। ठीक है यार, मतलब क्या ही चल रहा है दुनिया के अंदर, मैं तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो आप जो है स्पीकर कर दीजिएगा, ठीक है? हेलो। मैं ना पार्क में बैठी हूँ बेटा, थोड़ी देर के लिए आ सकता है क्या मुझसे मिलने? पार्क में क्या? चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा भाई को भी साथ लेता आई हूँ। है ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? 10 मिनट में आ जाएंगे। देख लो आपके सामने कैसे बोलते हैं, बुढ़िया बुढ़िया करके मुझसे बात करते हैं, देखो माँ तो मुँह से निकलता ही नहीं है। ये तो है, चलो ये आजकल के बच्चे हैं देख लो। ठीक है मैं देखता हूँ इन्हें फिर, ठीक है? बाकी थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर देते हैं जब तक कहते हैं, और ये माइक जो है आप अपने पास रख लो, ठीक है? जो भी बात होगी ना इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। अरे रुक जा। हाँ किस लिए बुलाया फोन करके? किस लिए फोन करा हमको? जो तुम मांग रहे थे ना वो देना है मैंने तुमको। तुम्हें देना क्या है? पेपर मैं लाया हूँ, ये देखो। यहाँ बैठ तो सही, बात तो कर मेरे से। देखो कैसे खड़ा हुआ है, देखो ये झूम रहा है, देखो ये खत्म हो गई। देखो उसके पैसे भी चाहिए, दिन के टाइम बोतलें पी रहा है, देखो शर्म नहीं आ रही बिल्कुल तुमको? है शर्म की बात? तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारा ये हाल हो गया? दिन के टाइम शराबे पी पी के ये झूम रहे हो? देखो इसके भी पैसे खत्म हो चुके हैं। अच्छा इसके भी चाहिए? मैं कह रहा हूँ इस पे ना नहीं तो अंगूठा लगा दो, पैसे देने की अंगूठा लो, ये मेरी जिम्मेवारी है ये। अरे हमें पैसे चाहिए कहीं से? तुम दो मेरे हट्टे कट्टे बेटे, तुम कमा के लाओ ना, मुझे भी दो रोटी दो। लाओ नहीं सुनो मेरी बात, सुनो
पापा चले गए, उनने बोला था हमारे नाम कर देना, ठीक है? नाम तो तुम्हारे ही कर जाओ। तुम्हारा नाम भी नहीं, अभी मेरे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। जो कुछ भी है तुम्हें लेके जाऊंगी, मेरे जीते जी तो मत लो। बर में पैर है तुम्हारा, तुम कब चली गई? अरे तो मैं एक दिन मरी जाऊंगी, तुम्हें दे जाऊंगी, कम से कम मेरे जीते जी तो ये सब मत करो। अभी तो पैसे हमारा नाम अभी करेंगे, नाम करवाया मेरे जीते जी तो मुझे सुख दे दो थोड़ा सा। तुम सुनो पहले, इसमें ना अंगूठा लगाओ। मैं अंगूठा तो लगा ही दूंगी, मैंने कौन सा मना किया है? मानोगी? आराम से बात कर रहा हूँ ना मैं। देखो खड़ा होया नहीं जा रहा इस लड़के से, है? अरे माँ को वृद्धाश्रम भेजने को तैयार खड़ा ही है, देखो। तो तुम्हारी कर रहे हैं ना हम? क्या कर रहे हो तुम मेरे लिए? जो कुछ किया तुम्हारे पापा ने किया ना, तुमने क्या किया मेरे लिए? तुम्हारे कहीं से भी क्या क्या ढूंढ दिया? वृद्धाश्रम ढूंढ दिया मेरे लिए तुमने? माँ के बेटे ऐसे होते हैं ये? अच्छा माँ के आंसू झूठे दिख रहे हैं तुमको? तू खोल, तू हाथ पकड़। नहीं क्यों जबरदस्ती मेरे से अंगूठे लगवा रहे हो? तुम नहीं करोगी? नहीं करोगी? मैं अपने जीते जी नहीं करूंगी। मेरे बात तो तुम्हारा ही है ना? नहीं करोगी? इसको पूरे को समझा, इसको समझा, कागज दिखा कर समझा, इसको समझा, इसको क्यों नहीं करोगी तुम? तुम देखो ये बच्ची है माँ के, देखो माँ के ऊपर हाथ उठा रही है, देखो ये बच्ची है माँ के। मारा ने भी मैं नहीं करूंगी, मैं जबरदस्ती साइन नहीं करूंगी, मैं कोई साइन नहीं करूंगी। नहीं 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 करोगी तुम? नहीं मैं नहीं करूंगी कुछ भी। इधर इधर आके देखो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? ये देखो माँ को धक्के मार रहे, देखो माँ को गिरा रहे हैं ये, देखो ये माँ के दो दो इतने जवान लड़के, देखो कुछ भी नहीं होता, जवान लड़के दो माँ के, देखो करो जमीन के। नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं करूंगी मैं, नहीं ऐसे नहीं करूंगी मैं। देखो इसको फिर बटा, इसमें फिर इसको, देखो जबरदस्ती कर रहे हैं माँ के साथ, देखो। तुम्हारे लिए आश्रम में बात करके आए हम। अच्छा तुम अच्छे से रहोगी, आराम से रहोगे ना? आराम से खाना दोनों टाइम, तुम दो रोटी नहीं खिला सकते? हमारा नाम बस हमें जमीन दो, जमीन से काम करना है, काम करना है हमें। जमीन से क्या काम करना है तुमको? बोल रहा हूँ आराम से, साइन कर दो। साइन तो देखो बेटा मैं कर दूंगी, मैं तेरे के हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे जीते जी तो मत करो, मेरे जीते जी तो ऐसे मत करो, हाथ जोड़ परसों तुम चली जाओगी आज, तुम्हारा पता क्या है? तू नाम करवा यार। नहीं मैं जबरदस्ती नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी, नहीं मैं साइन नहीं करूंगी। ऐसे मुझसे क्यों साइन करवा रहे हो? पकड़ मुझे, ऐसे क्यों तुम साइन करवा रहे हो जबरदस्ती? मारे ही आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मारे ही आ रहा, नहीं 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 आ रहा समझ में अभी भी। थोड़ा सा मैं सब कुछ तुम्हें दे जाऊंगी ना, थोड़ा सा और नहीं आ रहा, मार मार, अभी भी समझ नहीं आ रहा। और मैं सारा कुछ तुमको ही दे के जाऊंगी, मैं कौन सा साथ ले जाऊंगी? देखो नहीं आ रहा मैंने कोई साथ लेके जाना ही है, मैंने ये कोई साथ लेके जाना ही है, तुम दोनों को ही दे जाऊंगी मैं, मैंने कोई साथ लेके जाना ही है। जल्दी कर, जल्दी तुम मेरे से जबरदस्ती साइन करवा रहे हो, तुम रुक जा, जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ तुम दोनों। नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी क्या? ये नहीं मानेगी क्या? ऐसे नहीं मानेगी, इसको बैठा भी बैठा जा, रुक जा, रुक जा, यही साइन करा रहे हो। देखो ये देखो माँ के बच्चे, जबरदस्ती जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं मेरे से, देखो देखो जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं बेटा मेरे से, प्रॉपर्टी मैं आपको दे दो। देखो कैसी औलाद है माँ की ये, देखो मार रहा तू उसे। ओए माँ ये किसको बुलाया? गलत बात देख रहा, देख और किसको बुलाऊं अपने हेल्प के लिए? किसी को ना बुलाऊं मैं, हैं? ये मेरी हेल्प के लिए आए, मैंने बुलाया इसको अपनी हेल्प के लिए, देखो हैं? भाई ये देख बेटा, दो तो जवान बच्चे है, हैं? माँ को दो रोटी नहीं खिला सकते ये, देखो हैं? दो तो जवान बच्चों के होते हुए देखो, मेरे को कह रहे वृद्ध आश्रम में चली जा, वृद्ध आश्रम में देखो देखना, मैंने बुलाया अपने हेल्प के लिए बुलाया। और ये देखो जबरदस्ती मेरे से अंगूठा लग,
भगवान है देखो ये कह रहे मेरे मेरे नाम सब कुछ कर दो जानता है हमारा घर तू कौन है बोलने वाला हमारा घर का मैटर है तुम्हारे कहां घर घर का मैटर है ये घर का मैटर है माँ को मार को मैं मार रहे तुम घर का ये मैटर है शर्म नहीं आती इनको क्या हो कर रहा है कैसे क्या कर रहा है मार उसे तू क्यों मार रहा है उसे क्या कैसे लगा रहा है क्या भाई का भाई को मार रहे दुख लग रहा है तेरे को दोनों दोनों मिलके माँ को मार रहे थे तब दुख नहीं लगा है तेरे को बनाता हूँ मैं देखो एक भाई को भाई का कितना दुख लग रहा है माँ को मार रहे तब नहीं दुखी हो रही है ये नहीं हमारा हमारे घर का मैटर है माँ मैं घर चल के बात क्या घर का मैटर है नहीं घर का मैटर नहीं है पार्क में माँ को मार रहे हो तुम है बैठ जाओ यहाँ पे भाई मुझे बताऊंगा हम लोग घर जाके बात कर लेंगे माँ चलो यहाँ पास नहीं घर में नहीं चलना मुझको अरे कौन है क्या है मैंने अपने हेल्प के लिए बुलाया है अपने हेल्प के लिए बुलाया मैंने डर क्या लगा जवान बच्चों के होते हुए माँ को दो रोटी का सहारा नहीं है देखो भाई अच्छा सुन सुन तो ले भाई बताओ तुझे भाई हम घर में जाके बात कर लेंगे यार ये सब बंद करवा दो माँ मैं बोलता रहूँ माँ बेटे अब तू जेल के अंदर जाएगा क्या बोल रहे तू जबरदस्ती तो मेरे से साइन करवा रहे ये देख जबरदस्ती साइन करवा रहे देखो मेरे से ही है प्लीज यार मुझे करने दो यार ये वाले के से फिगर की मोटर मोड़ दूंगा भाई तुम्हें लग जाएगी भाई का इनका तो मैं सिग्नेचर मैं करता हूं दिखाइए ना देखो प्रॉपर्टी के कागज बनवा के लाए बेटा देख जबरदस्ती साइन करवा रहे मेरे से निकल कागज ये ले ये ले देखो जवान दो 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 लड़के जवान मार क्यों रहा है भाई सुन तो ले प्रॉपर्टी भाई मुझसे बात करवा दो मान लो आप भाई मुझसे बात कर लेंगे मेरी भाई सुन ये कौन है माए हमारी हम घर जाके बात कर लेंगे ना तुम क्यों कर रहे हो भाई ऐसा क्या बात करोगे ये बताओ मैं नीचे क्यों बैठा भाई नीचे बैठ नीचे बैठ माँ तो एक दिन मर जाएगी तुम सबको ही दे जाएगी ना सारा कुछ जीता जी दो रोटियां नहीं खिला सकते तुम अपनी माँ को है अभी तो बाप तुम्हारा इतना कुछ छोड़ के गया भाई ये बंद अरे जिंदा काट दूंगा बीच में से यार ये बंद देखो दिन के टाइम बेटा नशे में झूम रहे देखो दिन के टाइम रात को तो पीते है दिन में भी पी रहे ये लड़का देखो मेरी बात सुन लो कान खोल के पहले ठीक है ये तुम्हारी सगी माँ है साथ लो भाई, के साथ भाई, भाई 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 हम बात कर रहे हैं भाई आप क्या बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी चाहिए भाई सुन भाई हम घर जाके बात कर लेंगे ना अब घर ले जाओ भाई घर का मामला बाहर आ गया बेटा अब घर में नहीं रह गया इन्हें मैं माँ जी मेरी बात सुन लो आपने बुलवाया क्या इन्हें लेकर मैंने बुलाया तुम तो मेरी सुनते नहीं क्या करूँ मैं नाम आराम से कटप्पा भाई बात सुन मेरी भाई बात ये तो लेके आऊंगा मैं थाने में जो तुम्हारी हरकतें सालों माँ को मार रहे हो भाई हमारा फैमिली मैटर है तुम क्या कर रहे हो तेरा फैमिली मैटर है यहाँ तू पब्लिक के बीच में अटैक कर रहा फैमिली मैटर कर रहा भाई मारो मत भाई तूने मुझे फैमिली समझा है भाई भाई सुन लो बीच से फाड़ दूंगा यार मना कर इन्हें फैमिली मैटर कह रहे हो तुमने मुझे फैमिली समझा है माँ को फैमिली समझा तुमने माँ को बाहर भारत में मार रहे हो है समझा तुमने फैमिली मेरे को घर जाके आराम से देख ना भाई को भाई का दर्द आ रहा है माँ का दर्द नहीं आया है माँ को दोनों मार रहे थे तब दर्द नहीं आ रहा था भाई भाई मैं तो चल नहीं पा रहा तुझे तुझे मैं भाई माफ करो भाई अब तो बात अरे भाई मारो मत भाई मारो मत साले भाई 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 मारो मत भाई नहीं भाई 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 हम बात कर लेंगे ना माँ देखो माँ जी मेरी बात सुनो जैसे क्या करना है सुन तेरे भाई देखो ऐसे बैठे हो जाए ना होना अच्छा है इन्हें थाने में लेके चलो नहीं भाई हम माँ से बात कर लेंगे माँ से एक बार तू पूछ तो लो माँ हम नहीं करेंगे आप एक बार परमिशन दो मैं इनका भूत भर दूंगा मारते मारते तुम सुधरने वाले नहीं हो ये मुझे पता है बाप के जाते ही तुम दोनों ने अपना रंग दिखा दिया मेरे को फैमिली मैटर है फैमिली समझते हो तुम मेरे को दोनों मारते हो मेरे को अब नहीं
भाई मत करो, अब हम बात कर तो रहे हैं, आप बात तो कर लो उनसे। आप पीछे करके बात करियो, बता रहा हूँ मैं, काट दूंगा तेरे भाई कटप्पा तो तू है, तो ठाकुर भी मैं बना दूंगा। भाई कोई नहीं भाई, भाई बात तो करने दो, माए हमारी, हम बात कर लेंगे ना, हम कर लेंगे भाई बात। आंटी देखो ये तो नशा है, मेरे हिसाब से इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलना चाहिए, बताओ क्या करें। ले चलो एक बारी तो सजा इनको मिलनी चाहिए, बाप के जाते ही बिगड़ गए दोनों के दोनों। देखो कागज तक तैयार करा लाया, ये देखो साइन करवाने के लिए है, थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि बाप चला गया तो माँ के साथ ऐसा मत करे। अब माफ कर दो ना माँ, एक कुछ साल तो इंतजार कर लेते, मैंने तो सब कुछ तुम दोनों को ही दे के जाना था ना, मेरा और कौन है जिसको दे जाऊंगी, कुछ साल तो इंतजार करते तुम। गलती नहीं हुई, एक बार बेटा इनको सजा दिला तू, तब इनको पता चलेगा। हम बात कर लेंगे ना भाई। चलो चलो तुम्हें तो मैं मानेगा ना, कहना तू मेरा है, मानेगा ना कहना, जो मैं कोई बात नहीं बेटे, माँ का दिल तो ऐसे ही होता है ना। तो भाई एक 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 बार माँ ने देखो बोल दे तुम उसकी तो बात मान। भाई भाई अब तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना, माँ को घर से नहीं निकालोगे ना, पैर में गिर के माफी मांग। एक मौका दे दो बेटा, इन दोनों को एक मौका दे दो, माफ कर दो। देखो दोनों मेरी बात सुन लो, सुन ले, सुन ले क्या बोल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ भाई, अगर माँ जी को एक खरोच भी आई ना, सही बता रहा हूँ, तुझे निश्चित नाबूद कर दूंगा मैं दुनिया से। ठीक है भाई, आगे बात सुनिए मैं। हाँ भाई ठीक है भाई, समझ गया। दोनों बहुत ही प्यार से लेकर के जाओ, और अगर अपना होता है ठीक है, पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल नंबर है, कुछ भी हो भाई को कॉल कर देना, ठीक है। और ये पीपा के घर में भी है ना, तब भी बता देना, ठीक है, अब तो नहीं पिएगा ना भाई, जब पकड़ के ले जाओ माँ जी को, चलो अब नहीं करेंगे।